अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अब हो गया है यहाँ पर शाम का टाइम और अब हम लोग यहाँ पर पीने लगे थे चाय। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ जौन सी है वो आज अपनी शाम की रूटीन को हम लोग शेयर करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह चाय का हम लोगों ने तमाम कर लिया, चाय भी बन गई है और ये केक रस, ये स्टिक और ये नरम केक, बिस्किट और ये जौन सी है मिठाई वो पड़ी हुई है। तो अमूमन हम लोग मतलब शाम में चाय ही पीते हैं और चाय के बगैर तो ऐसे अगर हम लोग चाय ना पिए तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। चाय तो जैसे लाजमी है, तो आप लोग भी मतलब चाय पीते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाय नहीं पसंद करते, चाय नहीं पीते, लेकिन हम लोग मतलब चाय ज़रूर पीते हैं। और अभी शाम का टाइम था तो अभी हम लोगों ने ये बेकरी से जाके सामान लेकर आए हैं कि चाय हम लोगों ने पीनी है, तो खाली तो पीनी नहीं है। और वैसे भी मतलब रोज़ रोज़ नाश्ता करके बाहर का, अब हमने का थोड़ा सा जो सा है वो मूड भी चेंज करें अपना और हम लोग ज़रा बेकरी से जाकर सामान लेकर आएँ। तो इसलिए हम लोगों ने अब ये चाय के साथ थोड़ा सा हम लोगों ने इहतमाम किया चीज़ों का। तो मम्मा आप भी ज़रा अपने बहन भाई से सलाम दुआ ले लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय तो हम रोज़ाना पीते हैं शाम को 5-6 बजे, तो लाजमी आदत है हमें शुरू। हाँ, वही मैंने सर में दर्द शुरू हो जाता है तो वो आदत है शुरू से। तो अब मैंने कहा चले चाय बनाओ बेटा, तो बेटी ने चाय बनाई तो ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ, कहने लगी ये खा नहीं रही चीज़ें, चलो चीज़ें भी खाते हैं साथ, चलो मैंने कहा बातें भी कर लेते हैं, चीज़ें भी खा लेते हैं साथ। हाँ, और हमारे यहाँ मतलब बिस्किट बहुत अच्छे मिलते हैं और ये मिठाई हाँ भी थी, तो हम लोग सोचा कि आप लोग साथ इस वीडियो को भी शेयर करते। मम्मा आप शुरू करें। हाँ जी, कई लोग ये है ना कि चाय पीते नहीं, हम लोग तो सुबह को भी लाजमी पीते हैं चाय, तो शाम को भी, सर्दियों को तो ज़्यादा मतलब पी जाती है चाय। हाँ, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह के टाइम भी नहीं पीते, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग तो पीते हैं। कई लोग ऐसे नाश्ता कर लेते चाय पीते ही नहीं। हाँ, नाश्ता मतलब हमें तो लगता है कि चाय के बिना नाश्ता जो है वो अधूरा अधूरा है। अगर चाय नहीं आपने बनाई हुई तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है नाश्ते का, चाय आपका नाश्ता ही मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब चाय तो मस्त है सुबह भी और शाम में भी। गर्मियों में मतलब ये कि रात में दूध पत्ती बना ली जाती है, ठीक है, दूध पत्ती भी, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कुछ लोगों को मतलब स्ट्रॉन्ग चाय पसंद नहीं होती, वो कहते हैं कि बस मतलब जौन सी है हम लोग लाइट सी चाय पिए, लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग चाय जौन सी है वो पसंद है। वो सफ़ेद सी चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, दूध वाली सारी। पत्ती तेज हो ना तो भी मज़ा आता है चाय पीने का। हाँ जी, कई लोग कहते हैं हम लोग काली चाय नहीं पीते। हाँ नहीं, काली मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप पानी जैसे काली, मतलब दूध पत्ती भी बनाए तो उसके अंदर पत्ती अगर आप लोग ज़्यादा डालेंगे तो फिर आप स्ट्रॉन्ग चाय बनेगी, अच्छी होगी, वो लगेगी आपको अच्छी। तो इसलिए मतलब चाय तो मस्ट है। हाँ जी, आप भी लो ना बेटा। मैं भी ले लेती हूँ। हाँ चलो, ये देखो ये कोकोनट वाले बिस्कुट कितने मज़े के हैं। यहाँ ये सॉफ्ट सॉफ्ट से बहुत मज़े के बिस्कुट होते हैं, कोकोनट वाले, चॉकलेट वाले हैं। और ये हम लोगों ने रखा हुआ है तो मेरे तो मुँह में देख के जल्दी पानी आ रहा है। हाँ, तो मैं भी इसको खा लेती हूँ। मम्मा ने तो शुरू कर लिया, मेरे तरफ देख रहे मैं देख रही हूँ। मैंने कहा कोकोनट वाले बिस्कुट चाय के साथ तो बहुत मज़ा आता है इनके खाने में। हाँ, खाने का ठीक है, तो फिर दे लें आप इजाज़त ले लें। इजाज़त ले लो, कोई और बात तो नहीं कर लो कोई और। व्यूवर्स आप लोग बताएं कि आप लोग की ईद कैसे गुजरी है और आप लोगों ने कहीं मतलब गए आप लोग या क्या आप लोग की एक्टिविटी थी। कल से वर्किंग डे भी स्टार्ट हो रहा है तो सब लोग अपने अपने कामों पर जाना शुरू हो जाएंगे, फिर से वही नॉर्मल रूटीन। मतलब रमज़ान की भी याद आ रही है कि किस तरह मतलब जौन सी थी वो रोन के, ख़ास किस्म का समा होता है, माहौल मतलब बना होता है रमज़ान की वजह से। थोड़ी सी रमज़ान की याद भी आ रही है कि इतनी जल्दी रोज़े गुजर गए, लेकिन अब अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे जौन से हैं वो रोज़े और हमारी जितनी भी इबादत हम लोगों ने की है रमज़ान में उसको कबूल मंजूर करे और हमें कई रमज़ान इस तरह के जौन से वो देखने नसीब करें। आमीन। तो अब ले लें इजाज़त। इजाज़त ले लो, अल्लाह ताला ये बीमारी को भी हमारे मुल्क से दूर कर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मतलब इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, बहुत रूटीन है वो ख़राब हो चुकी है कारोबार की भी और वैसे भी। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती। ठीक है, तो व्यूअर देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सा आज का व्लॉग है हमारा, हम लोगों ने अपनी चाय की रूटीन आपके साथ शेयर की, आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इस तरह के व्लॉग्स देखने को मिलते रहें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।